शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार के लिए ऐसा जाल बुना है कि वो परेशान हो गए हैं। उनकी इस चाल को देख के ये कहा जा सकता है कि शरद पवार को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। पिछले 25 साल से बारामती में राजनीति कर रहे अजीत के लिए इतनी मुश्किलें कभी नहीं रही जितनी इस बार हैं। कहा जा रहा है कि बारामती की तीन हैवीवेट नेता कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे और उनका परिवार, बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल और उनका परिवार तथा शिवसेना के विजय शिवतरे और उनके समर्थक अजीत को मात देने के लिए ताल ठोक के मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों को लगता है कि तीन हैवीवेट नेताओं को अजीत के खिलाफ सक्रिय करने के पीछे शरद पवार कहां थे। जानकारों को ऐसा इसलिए लगता है कि अजीत को मात देने के लिए पिछले दिनों शरद पवार अपनी 40 साल पुरानी राजनीतिक बैर भुलाकर थोपटे परिवार से मिलने पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, बारामती में बड़ी संख्या धनगढ़ वोटों की है और इनको अपनी तरफ करने के लिए शरद धनगढ़ों के बड़े नेता राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महादेव जानकर से भी मिल चुके हैं। जानकर इस समय बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें कोई लोकसभा टिकट नहीं दे रही है, इसलिए वो नाराज चल रहे हैं। वहीं शरद पवार ने उन्हें सीट देने का ऑफर भी कर दिया है। जानकर 2014 में बारामती से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और सुप्रिया सुले के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे। अब बात कर लेते हैं उत्तर महाराष्ट्र की। आपको बता दें, जब अजीत ने शरद पवार का साथ छोड़ा था, जब उनसे बगावत की थी, तो उत्तर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की पारनेर विधानसभा सीट से एनसीपी के विधायक नीलेश लंके भी अजीत के साथ चले गए थे, लेकिन शरद उन्हें वापस तोड़ के लाने में कामयाब रहे हैं। अजीत ने उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन लंके अजीत के कंट्रोल से बाहर हैं। खबर है कि शरद उन्हें अहमदनगर सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। अहमदनगर से वर्तमान सांसद सुजय विखे पाटिल हैं। विखे पाटिल परिवार की शरद से पुरानी राजनीतिक लड़ाई रही है। पवार इस बार लंके को विखे पाटिल के खिलाफ उतार कर लड़ाई को रोमांचक बनाने से ज्यादा अजीत को शिकस्त देने की फिराक में हैं। पवार का गणित अजीत का विधानसभा कम करने का है और विधानसभा चुनाव तक पारनेर में लंके परिवार से किसी को उम्मीदवारी देकर जिताने का है। बुधवार को बिड जिले में अजीत पवार गुट के बड़े नेता बजरंग सोनवड़े ने उनका साथ छोड़कर शरद का हाथ पकड़ लिया है। खबरें हैं कि शरद पवार उन्हें बीड से लोकसभा चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। सोनवड़े के शरद के साथ आने से मराठावाड़ा में अजीत के सांसद धनंजय मुंडे को भी बड़ा झटका लगा है। विदर्भ में अजीत की ताकत है प्रफुल्ल पटेल। भंडारा गोंदिया प्रफुल्ल पटेल का गढ़ माना जाता है, लेकिन चुनाव से एन पहले कल ही पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के पास वापस लौट गए हैं। महाराष्ट्र में घटी इन घटनाओं को देख के ऐसा लगता है कि शरद पवार ने जो जाल अजीत पवार के लिए बुना है, उससे निकल पाने में उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। लेकिन यह जाल कितना ज्यादा काम करता है, यह आने वाला लोकसभा चुनाव ही बताएगा। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र की सियासी गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है लोकसभा चुनाव के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।